लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। पेपर में रोज बहाली होती है लेकिन धारालत पर नहीं होता। तो तेजस्वी जी ये कसम खा लिए, हम नहीं पढ़ेंगे तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, बिहार के गरीब बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो। कार मांगने गए, जेल में डाल दिया गया, हम जेल में गए। 35 किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का एज जा रहा है, मेरा भी नहीं हुआ। अभी हम RJD कार्यालय पटना में मौजूद है। हमारे बीच जो भी यहाँ पे आप स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उधर भी है, कोई सीटेड बीटेड स्टेट तमाम लोग हैं। ये लोग भावी शिक्षक है, ये लोग आगे चल के सरकारी विद्यालय में मास्टर साहब बनेंगे और बिहार में अपना सुधार के लिए कुछ भूमिका निभाएंगे। लेकिन सरकार भैया ये सब नहीं चाहती है कि ये लोग मास्टर बने और आगे चल के बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार लाए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, मुरेठा भी बांधे हुए हैं, डंडा भी लिए हुए हैं, अभी भैंसी भी चराने का कार्यक्रम करेंगे जहां तक हमें मालूम चला है। भैंस भी चराना है भैया? बिल्कुल, तो क्या करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा ओम प्रकाश भारतीय नाम हुआ पूरा। इस राज्य व्यवस्था में बिहार सरकार से जितना हम लोग उम्मीद किए थे, स्टेट 19 जो कि BPSC स्तर के टॉप एग्जाम कोरोना काल में सरकार आनन फानन में परीक्षा लिया, सरकार ने उसका ऑनलाइन लेकर एक रिजल्ट भी घोषित कर दिया है 21 में, लेकिन आज तक इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ गई, यही हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री युवा जो तेजस्वी यादव हैं, ये कहा करते थे और कहिए रहे हैं कि हम बहाली लाखों बांट रहे हैं। परसों भी केंद्र सरकार लाखों बांटी है, उसमें आप लोग की कोई लाखों में से एक को नहीं है। सब कुछ का बहाली हो जाता है बिहार में पेपरों में, ठीक है, पेपर में रोज बहाली होती है लेकिन धारालत पर नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ दरोगा का बहाली कर लेते हो आप पुलिस का बहाली कर लेते हो, अपना शासन व्यवस्था मजबूत कर लेते हो, क्या शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं करोगे? आपसे केवल शिक्षा विभाग छूट जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं केवल एजुकेशन पे ही क्यों राजनीति करती है, एजुकेशन मौलिक अधिकार है। इसलिए भैया राजनीति करती है, देखिए मुझे नहीं बोलना चाहिए भैया, इसलिए राजनीति करती है कि इलेक्शन आएगा ना तो मोटा मोटी बहाली करेंगे, वोट वाले लेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है, वो जानते हैं अगर शिक्षा दे देंगे नहीं सभी समझ जाएंगे तो वो जातीयता का जो नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, इसलिए वो चाह रहे हैं सभी खुद अनपढ़ है, 8वां पास है, अनपढ़ रहा है और हमारा वोट दे दे। अच्छा आप लोग में से आप भैंसी पर चढ़ने वाले हैं? मुरेठा बांध, बिल्कुल, मैं PhD अपेयरिंग कैंडिडेट हूँ केमिस्ट्री से और बाकायदा MSc MED सब मैंने किया है, यानी कि एजुकेशन की पात्रता परीक्षा में हमने चारों स्तर की पात्रता परीक्षा पास कर लिया है, लेकिन सरकार आज हमें भैंस चराने के लिए मजबूर कर रही है। आज से जो 25-30 साल पहले घटनाएं होती थी, क्या हम लोग इसीलिए क्या पढ़े थे? तो सरकार हमें क्यों ये राइट दिया, क्यों हमारा डिग्री दिया? हमारा तो डिग्री यूजलेस लग रही है। अच्छा, एक मिनट भैया, ये भैंस लाए हैं, मुरेठा बांधे हैं, डंडा लिए हैं, हमें लग रहा है कि आप RJD को दिखलाना चाह रहे हैं कि तू भी पहले भैंस ऐसी मुरेठा बांध के डंडा लेके घूमते थे। नहीं, ये दिखलाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए हम नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम लोग पास इतना बेरोजगार जीवा, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का एज जा रहा है, मेरा भी नहीं हुआ है, मेरा 30-31 प्लस होने का हो गया, आज हम लोग कम हम लोग क्या करेंगे? हमारी माता पिता का जो महत्वाकांक्षा है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रोहतास से जो कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला में आता है। एक मिनट भैया आप बताइएगा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं STT 19 अभ्यर्थी हूँ और CTET भी पास हूँ। हम देखिए ये तेजस्वी जी जो है ना कसम खा लिए हैं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जितना भी ये शिक्षा का बात, हम लोग नौकरी के लिए यहाँ पे आए हैं तो हम लोग बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे, सिर्फ हम लोग नौकरी करेंगे ऐसा नहीं है, उस विद्यालय में जितने बच्चे हैं सबको पढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी ये कसम खा लिए हम नहीं पढ़ेंगे तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, बिहार के गरीब बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन तेजस्वी जी आपके तरह विरासत में सबको नहीं मिला है, जो बिहार का जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, युवा है, ये सबको विरासत में नहीं मिला। हम लोग अपने मेहनत के दम पे, हम लोग के पीछे कोई विरासत नहीं है, अपने मेहनत के दम पे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, पात्रता परीक्षा पास किए हैं, STT 19 पास किए हैं, CTET पास किए हैं, तब जाकर के आपसे नौकरी मांग रहे हैं। हम लोग पात्रता रखते हैं लेकिन विरासत में हम लोग को नहीं मिला है। तेजस्वी जी आपसे आग्रह है, आप नहीं पढ़े लेकिन कम से कम बिहार के किसानों को पढ़ाइए, उनके बच्चों को पढ़ाइए, उनके विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए खड़े अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करके 80,402 उनको नियुक्त करिए अविलंब विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट बटेगा और आने प्रदेश में जाकर के। देखिए ये बिहार की दुर्भाग्य है, कभी CTET BTET पास तो कभी STET पास, आपस में लड़वाने का भी सरकार काम करती है, कभी CTET BTET में लड़वा देती है तो कभी STET में मेरिट नॉट इन मेरिट करके लड़वा देती है, मतलब लड़वाने में खूब है,
लेकिन बहाली करने में नहीं है भैया। नहीं लड़वाने तो छोड़ दीजिए, सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने में पीछे नहीं है। ये निर्दोष छात्रों पे लाठी चार्ज करवाते हैं हमारे एसटीटी 19 के साथ ही। इससे पहले जो प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कोई उन सबको जेल भेज दिया गया था, थाना से डायरेक्ट जेल, और उन लोग को ऐसा धारा लगाया गया था जो कि नॉन अवेलेबल था, नॉन अवेलेबल धारा लगाया गया था। ये क्या अपराधी थे हम लोग, भ्रष्टाचारी थे। जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर रहा है, जो बोल करके नौकरी नहीं दे रहा है, कहते सभी की नौकरी पक्की है तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए, तो अभ्यर्थियों पे कार्रवाई किया जाता है। 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी उस समय के बोले थे जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नियुक्ति पक्की है। उस समय अनंत किशोर सर, संजय कुमार सर, तमाम शिक्षा विभाग के सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे उस समय के रंजीत सर, वो सभी उपस्थित थे और उस समय कहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई है सबकी नियुक्ति पक्की है, तो अभी तक हम लोग सड़क पे क्यों है? शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, क्यों हम लोग अभी तक सड़क पे है? सूची बनेगा आपको नियोजन इकाई में, सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉन मेरिट दोनों लिखा हुआ मिला। क्या क्या चीज पास? हम तो अभी आप PhD अवार्डेड होने जा रहे हैं माननीय मगध यूनिवर्सिटी से। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, सरकार जो है इसकी पॉलिसी ही अंग्रेज की पॉलिसी है, बांट करके रखो, अपना वोट लेते रहो, बरगलाते रहो, हाँ फूट डालो और शासन करो, अधिकार जेल में, जेल से निकले हैं सर हम लोग जो है, क्या हुआ है, अधिकार मांगने गए जेल में डाल दिया गया, जो हम जेल में गए 35 दिन। ये भाई साहब जो 4 को जेल में गए थे उनमें से एक ये भाई साहब। जी जी बिल्कुल वही ना, आंदोलन के दौरान PMCH भी गए, अपने अधिकार के लिए बताइए मरने से बचे हैं, नौकरी के लिए बताइए मरने से बचेंगे, इतना सारा सीट खाली है। तो हम यही हम लोग का मांग है कि जितने सारे कैंडिडेट पास किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं, सबको बहाली एक साथ में जितना जल्द हो सके दिया जाए, नहीं तो हम लोग अब रुकेंगे नहीं, अब इससे भी ज्यादा क्रांति होगा बिहार। भैया सीटेट एक मिनट सर, जी बातों को मैं सुन लिया सर, कभी सीटेट कभी बीटेट कभी एस्टेट आपस में लड़ते रहती है। अभी रिसेंटली में 10-11-12 तारीख को सीटेट वाले और बीटेट वाले को आंदोलन फिर से आगाज हो रहा है, जिसमें आप लोग भी आई थिंक यहाँ तक मुझे मालूम चला कि समर्थन कर रहे हैं कि भैया 7वीं चरण हमको चाहिए, चाहे प्रारंभिक हो या फिर माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, तमाम हमें सिर्फ 7वीं चरण चाहिए, हमें अब बंटवारा कर मत रखिए, सिर्फ बांटने का प्रयास मत कीजिए, और सरकार यही कर रही है बांटने का प्रयास, केवल बांटती है। खैर चलिए हम जुड़े हुए रहेंगे शिक्षक बहाली को लेकर, क्योंकि हम तो भैया मुहिम ही चला रहे हैं कि नौकरी रोजगार को लेकर कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, मेरा प्रॉमिस रहा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं भी की गोरा, आप देखते हैं NCP। धन्यवाद। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।